हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आर यू डूइंग वेल। देखो फ्रेंड्स, ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो एमटी सब्जेक्ट है, तो मेरे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 25 है, ठीक है, तो वो मेरे पास आ चुके हैं। तो मैं इसकी लिंक विंक कुछ नहीं दूंगा, ये आपको मैं आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये 25 जो है वो बोल दूंगा, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। व्हाट्सएप के ग्रुप हो गए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ठीक है। ये वीडियो तो मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट या तो फिर वो नहीं करने वाला नहीं करता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मटेरियल जो है वो दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। तो देख लेते हैं। चलो फर्स्ट क्या है, तो गिव बोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑल्सो डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर अ प्रोडक्ट। सेकंड वन क्या है, ड्रॉ सिस्टमेटिक स्केच ऑफ गेटिंग सिस्टम फॉर कास्टिंग, मेंशन द वर्किंग फंक्शन ऑफ ईच गेटिंग सिस्टम एलिमेंट। देखो फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की अगर आपको बुक चाहिए, ठीक है, तो मुझे बोल देना, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडेड यू। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। थोड़ा ग्रो कर दो यार मेरी चैनल को प्लीज़ यार। फिर थ्री क्या है, वॉट इज़ द पैटर्न, एक्सप्लेन फॉलोइंग पैटर्न्स विच आर स्कीमेटिक डायाग्राम, यानी कि स्कीमेटिक डायाग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसमें क्या है, गेटर पैटर्न है, फॉलो वॉल पैटर्न है, स्प्लिट पैटर्न है। फोर्थ वन क्या है, स्टेट द टाइप्स ऑफ फर्नेस यूज इन फाउंड्रीज, डिस्कस इन ब्रीफ द वर्किंग ऑफ क्यूपोला फर्नेस। फिफ्थ वन क्या है, एक्सप्लेन परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस विथ नीट स्केच, ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सिक्स वन क्या है, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूल सेंड एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी फोर प्रॉपर्टीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड कास्टिंग। सेवन्थ वन इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फेसिंग सैंड, वैकिंग सैंड, सिस्टम सैंड एंड कोर सैंड। एट वन एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ एलोवेंसेस इन कास्टिंग। नाइन वन क्या है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फ्लेम ऑब्टेन इन ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग विथ नीट स्केच। टेंथ क्या है, वॉट इज लेजर बीम वेल्डिंग LBM प्रोसेस, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड स्टेट इट्स एप्लीकेशन। इलेवंथ क्या है, एक्सप्लेन द कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट्स बाय स्टैंडिंग देयर कॉजेज एंड देयर रिमेडीज। बार्थ ट्वेल्थ क्या है, विथ अ नीट स्केच एक्सप्लेन टीग टंगस्टन इनल्ट गैस आर्क वेल्डिंग, ठीक है। टीग यानी टंगस्टन इनल्ट गैस वेल्डिंग, ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। थर्टी क्या है, एक्सप्लेन द बेसिक प्रोसीजर इन सो, सो यानी कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है, विथ अ नीट स्केच, ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। चौदवा क्या है, डिफ्रेंशिएट यानी कि आपको डिफरेंस लिखना है मिग एंड टिग। मिग यानी कि क्या होता है, अने टिग एले टंगस्टन इनर्ट गैस, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एक्सट्रूजन एंड बैकवर्ड एक्सट्रूजन। 16 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। 17वां क्या है, डिस्कस द डिफेक्ट्स कॉजेज एंड लिमिट्स ऑफ फोर्जिंग डिफेक्ट्स। 18 क्या है, एक्सप्लेन द कटिंग ऑपरेशन प्रेस वर्किंग। 19वां क्या है, एक्सप्लेन ओपन डाई फोर्जिंग एंड क्लोज डाई फोर्जिंग, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, आपको डिफरेंस नहीं पूछा है। 20 में क्या है, ड्रॉ द वेरियस ग्लास स्ट्रक्चर एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। 21वां क्या है, एक्सप्लेन इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस फॉर प्लास्टिक बाय स्टैंडिंग इट्स प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस एडवांटेजेस लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन। ये हो सकता है 7th मार्क के अराउंड आए, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपैरिजन मोल्डिंग प्रोसेस, कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है, वॉट इज कॉम्पोजिट, क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन सिरामिक मिक्स कॉम्पोजिट विथ इट्स एप्लीकेशन। 24 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, डिफरेंस पूछा है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस टेंडिंग इट्स एडवांटेज लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशन। तो ये ऑल अराउंड एमटी का जो आईएमपी है, ठीक है, तो वो आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ कि यही आएगा, लेकिन आ सकता है, आप इसमें से करो या ना करो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने और भी मटेरियल अपलोड किए, आप देख लेना। ओके देन, बाय बाय।